हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट 5। डेट है बच्चों 2 अगस्त, क्लास 8 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। बच्चों आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबा करके मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना कोई भी बच्चा ना भूले। देखिए स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों देखिए, आप सभी को पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम किस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं। लेट्स रिवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट। लेट्स थिंक, राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। बीनू इज़ यंगर देन राजू बाय 3 ईयर्स, बट वी डोंट नो राजूज एज। तो देखिए बच्चों, हम कैसे करेंगे इसे। लेट्स एज्यूम व्हेन राजू इज 12 ईयर्स ओल्ड, बीनू इज 3 ईयर्स ओल्ड। व्हेन राजू इज 15 ईयर्स ओल्ड, बीनू इज 12 ईयर्स ओल्ड। इन ईच केस डिफरेंट बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज 3 ईयर्स। सो व्हेन राजू इज एक्स ईयर ओल्ड, बीनू इज एक्स माइनस 3 ईयर्स ओल्ड। ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमें बताया गया यहाँ पे कि राजू और बीनू दो भाई हैं। ठीक है, बीनू राजू से 3 साल छोटा है। ठीक है, हमें दोनों की एज नहीं पता। तो हमने माना कि भाई अगर राजू 12 साल का है तो बीनू 3 साल छोटी होगी, छोटा होगा 9 साल का। राजू अगर 15 का है तो बीनू कितने का होगा? 12 साल का। इसी तरह बच्चों, अगर उनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, अगर राजू को हम एक्स मानते हैं तो x में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि बीनू छोटा है, तो x माइनस 3 हमारा इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, राजू देखिए 12 है तो बीनू 9, राजू 15 है तो बीनू 12, और राजू अगर x है, x वेरिएबल है बच्चों हमारा, तो बीनू क्या होगा? x माइनस 3। कीप इन माइंड x इज अ वेरिएबल, द वेरिएबल अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। वी मे यूज एनी लेटर p r l। बच्चों वेरिएबल्स शो करने के लिए हम कोई भी लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेट डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। अब बच्चों देखिए, हमें एक यह सिचुएशन दी गई है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, बात करते हैं। स्टेटमेंट 1, सरिता हैज 10 मार्बल्स मोर देन अमीना। अमीना हैज एक्स मार्बल। ठीक है, तो सरिता के पास क्या होगी? एक्स प्लस 10 मार्बल्स। आया सभी को समझ में कि हमें वैल्यू ही नहीं दे रखी है, तो अमीना के पास हम एक्स मान लेते हैं, सरिता के पास उससे ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 10 होगी। ठीक है, सरिता हैज़ 20 मार्बल्स विच इज़ मोर देन मार्बल्स अमीना हैज़। अमीना हैज़ एक्स मार्बल्स। अब अमीना के पास हम एक्स मान लेते हैं, तो सरिता हैज़ एक्स प्लस 10 मार्बल्स। ठीक है, तो एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 20, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इन द अबव स्टेटमेंट 2, सरिता हैज़ टोटल 20 मार्बल्स एंड द मार्बल्स आर 10 मोर देन अमीना। अमीना से 10 ज़्यादा है। ठीक है, दैट हैव बीन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इक्वेशन। वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन बाय इक्वल्स टू अ साइन ऑफ इक्वलिटी एंड देयर इज नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन। वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल। इन इक्वेशन LHS लेफ्ट हैंड साइज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों इक्वेशन हमेशा बराबर होती है। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 20, एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स प्लस 10 बच्चों हमारा एक्सप्रेशन है, और इक्वल टू ये साइन ऑफ इक्वलिटी यहाँ पे बताया गया है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज अ मेजरिंग बैलेंस एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशन कैन बी डन ऑन इन बोथ साइड्स। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड एनसर्किल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर। एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो देखिए बच्चों, आपको क्या बोला गया है, फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड एनसर्किल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर, और आप सभी को सर्किल करनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हमें a1 वेरिएबल, देखिए x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो इसमें भी हमारा 1 वेरिएबल है x। 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 2, इसमें भी हमारा एक ही वेरिएबल है, तो इसे भी हम सर्किल करेंगे। 4p इक्वल्स टू 20, इसमें भी हमारा एक ही वेरिएबल है, इसे भी हम सर्किल करेंगे। t/3 इक्वल्स टू 2, इसमें भी हमारा एक वेरिएबल है, इसे हम टिक करेंगे कि ये भी हमारा 1 वेरिएबल में है।
एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू 21, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, ये भी हमारा सही है। 3y प्लस 2x माइनस 5z इक्वल्स टू 9, तो ये हमारा वेरिएबल वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 2x प्लस 4 इक्वल्स टू x, तो देखिए बच्चों यहाँ पे सेम वेरिएबल यूज़ करा है, तो ये भी हमारा सही होगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3z, तो इसमें भी अलग अलग वेरिएबल्स है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो बच्चों जो जो होंगे उन पे हमने सर्किल कर दिए हैं। तो इस तरह से आप सभी वर्कशीट को सॉल्व करें। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।